फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप एक फेसबुक से अपना पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग काफी पेज फॉलो करते हैं, कुछ ग्रुप्स में आप ज्वाइन करते हैं, तो ग्रुप और पेज दोनों ही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ग्रुप अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्रिएट ग्रुप पर जाएंगे। यहां पर आप अपने ग्रुप का नाम, जिस भी लोगों को आप ऐड करना चाहते हैं, या तो आप उनको नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर आप उनको उनकी ईमेल आईडी से सर्च कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप को प्राइवेट करेंगे तो वही लोग देख सकेंगे जो पोस्ट आपने की है या आपके जो ग्रुप है मेंबर्स उन्होंने की है। प्राइवेट में ओनली मेंबर्स कैन सी हु इज इन ग्रुप एंड व्हाट दे पोस्ट। ठीक है, कौन कौन है और क्या क्या पोस्ट हुई है तो वो प्राइवेट में देख सकते हैं, पब्लिक में हर कोई देख पाएगा। विजिबिलिटी आप कर सकते हैं कि हर कोई आपको सर्च कर सकता है, या आप हिडन रखना चाहते हैं ओनली मेंबर्स कैन फाइंड। तो इस तरीके की चीज आप कर सकते हैं और उसके बाद आप क्रिएट कर देंगे। तो हम यहाँ पर ये ग्रुप करने के लिए इतना ही आपका प्रोसेस है, ये आप करके चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर आप पेज क्रिएट करने की बात करते हैं। तो फेसबुक पेज आप क्यों क्रिएट करते हैं? आप कोई भी पर्सनालिटी है, कोई ब्लॉगर है, कोई व्लॉगर है, कोई यूट्यूबर है, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप छोटा सा चाहे कोचिंग सेंटर ही चलाते हैं, या आपका स्कूल है, या आपकी कोई कंपनी है, उसकी ब्रांड प्रमोशन के लिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट पेज पर। तो स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई न्यू टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो या तो आप कोई बिजनेस या ब्रांड है तो आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, या कम्युनिटी या पब्लिक फिगर है तो यहाँ पर मैं यहाँ से कर रही हूँ। नेम ऑफ योर पेज, आप अपने पेज का क्या नाम देना चाहते हैं? मैं अपने चैनल के अकॉर्डिंग ही बना रही, तो सुपर आइडियाज। एड ए कैटेगरी टू डिस्क्राइब योर पेज, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैटेगरी। आप देखिए कुछ है क्या, यूट्यूब के नाम से हम सर्च करते हैं तो यूट्यूब से मिलता जुलता यहाँ पर ब्लॉगर है। इसके अलावा हम देखते हैं क्या क्या कैटेगरी है। पर्सनल ब्लॉग, तो पर्सनल ब्लॉग आप कर सकते हैं, ये न्यूज पर्सनैलिटी, ओके एजुकेशन, इस तरीके की भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए मैं अपने लिए पर्सनल ब्लॉग कैटेगरी सेलेक्ट करूँ, उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। जब भी आप कोई फेसबुक पर पेज क्रिएट करते हैं तो जो भी पेज की या ग्रुप की या जो भी इवेंट की पॉलिसी है, आप उसको जो है एक्सेप्ट करते हो। अगर आप चाहें अभी आपके पास कोई प्रोफाइल पिक्चर है तो आप यहां से अपलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, आप इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप कवर फोटो अपलोड करना चाहते हैं कि नहीं। कवर फोटो भी अगर अभी आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप बाद में अपलोड कर सकते हैं। हम एक कवर फोटो अपलोड करके देखते हैं, अगर बाय चांस हो जाती है तो चलिए बाद में देखते हैं, अभी के लिए इसको हम स्किप कर देते हैं। तो ये हो गया है हमारा पेज क्रिएट। सेम इसी तरीके से जो मैंने आपको ग्रुप में बताया था, उसके बाद वो आपका ग्रुप क्रिएट हो जाता है। तो ये हो गया है हमारा पेज क्रिएट सुपर आइडियाज का। इसने एस जो है फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली ले लिया है। अगर आप कवर पेज ऐड करते तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देता, पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं तो इवेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे फोटो या वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, मैसेजेस यहाँ पे गेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो गेट मोर पीपल टू इवेंट, तो यहाँ पर जाकर आप इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट का नाम, लोकेशन, जहां पर भी आप चाहते हैं, कितने बजे स्टार्ट होगी, कितने बजे खत्म, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं, फोटोज, अबाउट, अबाउट में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे कैटेगरी है यहाँ पर पर्सनल ब्लॉग, सुपर आइडिया चैनल, यूजर नेम, क्रिएट पेज यूजर नेम, यूजर नेम भी मैं यही रखती हूँ सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज इज नॉट एलिजिबल, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, तो कुछ और ट्राई करते हैं।
आपको यहाँ पे ट्राई करके देखने हैं, जितने भी आपके पास जो अगर कुछ अवेलेबल हो जाता है तो वो आप यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे। ये अवेलेबल है सुपर आइडियाज 2020। तो मैंने ये क्रिएट कर लिया है अपना एक यूजर नेम, इस यू आर नॉट एलिजिबल, ओके ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं, अभी शायद नया पेज है, कुछ टाइम बाद यूजर नेम आपका क्रिएट हो जाएगा। एडिट कर सकते हैं आप यहाँ पर पेज इंफॉर्मेशन, बिजनेस के बारे में, अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, वेबसाइट का नेम, यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन में अबाउट योर सेल्फ, आपके प्रोडक्ट्स हैं कोई या खाने का तो आपके मेन्यू है। ये पेज आप कोई, चाहे आपका रेस्टोरेंट है, चाहे आपका सिंपल ढाबा भी है तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या आप घर बैठ के कुछ सेल करते हैं, रिसेल का काम करते हैं तो भी आप प्रोडक्ट के साथ वो कर सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने पेज पर ऐड कर सकते हैं। अब ऐड ए बटन का ऑप्शन भी होता है, आप चाहते हैं कुछ ऐड करना, जैसे बुकिंग अगर कोई है, जैसे मान लीजिए आपका सलून ही है, आप चाहते हैं लोग बुकिंग करके आए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं बुक नाउ या इस तरीके से, या कोई ऑफर आपका चल रहा है, कुछ सेल कर रहे हैं तो अभी आप बुक कर सकते हैं, इतना पेमेंट देकर या जो भी इस तरीके से। आपको कॉन्टेक्ट करे तो कैसे करे, सेंड मैसेज करे, कॉल नाउ करके, साइन अप करके, या सेंड ईमेल करके। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर करना है सेंड ईमेल, तो लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, वॉच वीडियो, या लर्न मोर आप यहाँ क्या करना चाहते हैं वो, शॉप विद यू, आपके साथ कोई कुछ परचेज करना चाहता है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी कोई ऐप या कुछ है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए कॉन्टेक्ट यू में मुझे करना है सेंड ईमेल, तो आप नेक्स्ट पर जाएंगे। वेयर वुड यू लाइक टू द बटन टू सेंड द पीपल टू एड, क्योंकि ईमेल करेंगे तो ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो हम यहाँ पर डालते हैं ईमेल एड्रेस। इस ईमेल आईडी पर सारी मेल्स आएंगी जो भी मुझे कांटेक्ट करना चाहेगा। तो ये हो गया है कॉन्फ़िगर, अब करेंगे हम फिनिश। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या आ गया, आप सेंड बटन, टेस्ट बटन आप इसको करेंगे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो बन गया है आपका एक पेज। अपनी वीडियोस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आप अपने पेज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं वीडियो के थ्रू, तो वो आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं टीम मेंबर्स में ऐड करना लोगों को, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और लोगों को भी, जैसे मैंने अभी के लिए खुद को ऐड किया है। इनबॉक्स में आपको सारे मैसेजेस आपको मिल जाएंगे, जो भी मैसेज आपके आए होंगे। इसके अलावा आपके पर्सनल ब्लॉग, जो काफी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस की कि पेज कैसे क्रिएट करना है, कैसे आप अपने बारे में यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं, तो मैसेजेस आप देख सकते हैं कि सारे मैसेजेस, या जो इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मैसेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम से अटैच करते हैं तो। मान लीजिए मुझे अब कनेक्ट करना है, हम कनेक्ट करते हैं अपना इंस्टाग्राम का पेज। अगर आपका फेसबुक आईडी से आपको डायरेक्टली करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, इसके पहले अगर आपके पास है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये मेरा है इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने उसको अटैच कर दिया है अपने फेसबुक के थ्रू। ये आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम का पेज, आप मुझे इस पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सुपर अंडरस्कोर आइडिया, आइडियाज अंडरस्कोर 2020। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड आप मुझे पेज भी मेरा फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, और आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं फेसबुक आईडी पर। तो यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं, फिर आपके फेसबुक के कमेंट्स यहाँ पर दिखेंगे, आपके इंस्टाग्राम के कमेंट्स यहाँ पर दिखेंगे जो हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली। तो अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देना, कोई भी आपको करे, आप चाहते हो कोई इंस्टेंटली रिप्लाई किया जाए, तो जैसे इंस्टेंट रिप्लाई में क्या होगा, जैसे ही आएगा आपके पास इंस्टा कोई भी मैसेज, तो ये है इंस्टेंट रिप्लाई, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे और कांट रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, वी अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। तो इस तरीके की मैसेज अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। पेज रिकमेंडेशन,
आप चाहते हैं फेसबुक का रिकमेंड करें तो मैंने कर दिया है ऑन यहाँ पर। कम्युनिकेशन अबाउट जॉब्स नहीं चाहिए मुझे अभी के लिए तो मैंने इसको हटा दिया है। रिमाइंडर यस, फॉलो अप मैसेज नो, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसके अलावा नोटिफिकेशंस जो भी आपके आएंगी वो आप नोटिफिकेशंस यहाँ पर देख सकते हैं इस टैब पर। नोटिफिकेशन जैसे कि किसी ने आपको मैसेज भेजा, किसी ने आपका पोस्ट लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, तो इस तरीके की नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इनसाइट्स में देख लेते हैं, इनसाइट्स में क्या है। इनसाइट्स में भी आप यहां से देख सकते हैं, बाकी पब्लिशिंग टूल्स या फिर मोर में भी और काफी टूल्स हैं जो आप यहां पर चेक कर सकते हैं अपने। तो एडिट पेज इन्फो में जाकर आप अपने पेज की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई चेंज करनी है बाद में, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, ये कोई भी चेंज करनी है तो वो आप यहां से जाकर चेंज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों फेसबुक पेज के बारे में जिसमें हमने काफी चीजें देखी हैं। तो बाकी चीजें आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, ब्रांड करना चाहते हैं, टेम्पलेट स्टैप चेंज करना चाहते हैं, जितना आप यूज करेंगे उतना आपको और चीजों के बारे में क्लैरिटी आती जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आप मुझे सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पर फॉलो करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।